नमस्कार दोस्तों, 14 फरवरी एशिया का सबसे बड़ा एयर शो की कल शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, तो ये 14वां संस्करण है इसका। ये बेंगलोर में हो रहा है और इसमें आज 32 के करीब देशों के जो रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी भाग लिया है और जो 29 एयर चीफ ने भी भाग लिया है। और अहम खबर ये भी है कि F-35A जो अमेरिका का फाइटर विमान है, उसने भी हिस्सा लिया है इस एयर शो में इस बार, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है 14वां संस्करण और बेंगलोर में हो रहा है। अगली खबर, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है, वो हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय कलर से सम्मानित करेंगे। तो ये आज करनाल के मधुबन पुलिस एकेडमी में आएंगे और वहाँ पे इसका उद्घाटन, मतलब पुलिस राष्ट्रपति कलर से सम्मानित करेंगे। ये आज दिन का प्रोग्राम था, राइट नाउ शाम हो चुकी है, तो अब तक उन्होंने काम ये राष्ट्रपति से सम्मानित कर चुके होंगे वो हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर से। अच्छा, इसके अलावा भी वो कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे हरियाणा में, इनॉग्रेशन एंड फाउंडिंग स्टोन्स वगैरह। तो जैसे कि पानीपत की सहकारी चीनी मिल है और ये कोऑपरेटिव दूध संयंत्र रेवाड़ी के भिड़ावास में है, और सांझी डेयरी प्रोजेक्ट है, ये कुछ एक प्रोजेक्ट है जिनका वो इनॉग्रेशन भी करेंगे। और उसके अलावा एक हरियाणा पुलिस की कॉफ़ी टेबल बुक, उसका भी वो विमोचन करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग में स्मृति मंदाना सबसे महंगी प्लेयर बिकी हैं 3.4 करोड़ कीमत के साथ। इनको RCB ने अपनी टीम में लिया है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 3.40 करोड़ की, तो 3 करोड़ 40 लाख। अच्छा, इनके अलावा हमारी जो कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, उनको मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 80 में, और दिल्ली की टीम में जुड़ी है हमारी हरियाणा की और अंडर 19 की कप्तान, जिन्होंने रिसेंटली अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। तो और इसके अलावा काफ़ी प्लेयर थे, विदेशी प्लेयरों की भी अच्छी कीमतों पे बिड लगी है। तो अब ये वुमेन्स प्रीमियर लीग आगामी दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो ये उससे रिलेटेड खबर थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैम्पियन दुबई में आज से शुरुआत। अच्छा, ये जो बैडमिंटन मिक्स्ड एशिया चैम्पियनशिप है, इसकी आज से दुबई में शुरुआत हो रही है। UAE की बैडमिंटन फेडरेशन इसका आयोजन करा रही है, तो ये इसमें हमारी PV सिद्धू, प्रणय रॉय, ये जो हमारे स्टार बैडमिंटन प्लेयर है, ये भाग लेंगे, ये दुबई में हो रहा है। अच्छा, अगली खबर है, न्यूजीलैंड में साइक्लोन गैब्रियल की वजह से इमरजेंसी लगाई गई है। और ये जो साइक्लोन है, इसकी वजह से 500 से ऊपर जो हवाई यातायात प्रभावित हो चुकी है, कैंसिल करनी पड़ी, और 30,000 से ऊपर मकान है, उनकी बिजली गुल है, तो काफ़ी मतलब इसका असर पड़ा है न्यूजीलैंड के पीपल्स पे। तो आज की खबर अहम यही थी। धन्यवाद दोस्तों।